नमस्कार, पत्रिका उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में किसान नोएडा और ग्रेटर नोएडा से चलकर यूपी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। किसान दिल्ली जाकर पीएम मोदी से मिलकर अपनी मांग और परेशानी बताना चाहते हैं, लेकिन किसानों को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से नोएडा में कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। वही किसानों की मांग है कि पिछले कई सालों से इनकी जमीन को अधिग्रहित कर लिया गया है, लेकिन उन्हें ना तो उचित मुआवजा मिला है, ना ही अन्य किसी प्रकार की सुविधा मिली है। भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, पीएम आवास पर प्रवास करने जा रहे हैं। तो आज आप लोग डीएनडी तक तो आ गए, इसके आगे क्या रणनीति? अब नहीं जाने दे रहे तो जहाँ रुक जाएंगे वहीं रुक जाएंगे। तो क्या आप लोग यहाँ पे धरना देंगे या? धरना नहीं देंगे, प्रवास करेंगे। तो क्या डीएम आवास में भी वही था? अरे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री आवास पे प्रवास ही होता, धरना नहीं होता। तो कब तक ये चलेगा? जब तक हजूर आ जाएंगे तब तक चलेगा। किसकी मांग है, किसको बुलाना चाह रहे हैं पीएम? किस चीज को लेकर आप ये कर रहे हैं? जमीन अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण में जो अनियमितताएं हैं उसकी सीबीआई जांच हो, और बस और दो तीन बातें बस और ज्यादा नहीं। कितनी जमीन है, कितने लोगों की जमीन है, कहाँ कहाँ है? जमीन तो बहुत सारी है, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। आंदोलन तो काफी टाइम से चला रहा है, जिसका नेतृत्व आप कर रहे हैं, कभी बट्टा पारसोल भी हुआ था जमाने में जी। तो अभी तक उसका निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारा कोई नेता नहीं जो संसद में कह सके कि भाई किसान परेशान है, इसलिए नहीं हुआ हमारा। आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चौधरी रंजीत सिंह तो है, चौधरी साहब ने कभी कही किसान की बात? अगर वो कहते तो शायद हमें यहाँ आना ही ना पड़ता। अभी कुछ समय पहले नोएडा में मुख्यमंत्री भी आए थे, क्या आप उनसे मिले, उनसे बताया आपने? हमसे कोई मिलना नहीं चाहता, मुख्यमंत्री से हम मिलने गए थे, रोक लिया, हमें अरेस्ट कर दिया। ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, पुलिस ने अनिल दुजाना गैंग के 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, इनमें से एक शार्प शूटर भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश लूट और 20 लाख की सुपारी लेकर एक व्यक्ति की हत्या करने के फिराक में लगे थे, लेकिन पुलिस को सूचना मिली जिसके बाद उन्होंने इन बदमाशों को धर दबोचा। फिलहाल उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। थाना दादरी पुलिस के द्वारा दादरी बाईपास के पास से 8 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के कब्जे से एक जैन कार, 3 बाइकें, 2 पिस्टल, 1 तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस और इसके अतिरिक्त कैश भी बरामद हुआ है। अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि उनके द्वारा विगत में दादरी क्षेत्र में लूट की घटना कारित की गई है। इसके अलावा बरामद बाइकों के संबंध में थाना बादलपुर और थाना कासना पर अभियोग पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त शातिर कृष्ण के बदमाश हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस के भी गौकशी करने वाले 2 तस्करों से मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला थाना भोपा क्षेत्र के गांव सीकरी के जंगल का है, जहां पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ईदगाह के पास जंगल में कुछ लोग गौकशी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने ईदगाह के पास जंगल में दबिश दी तो आरोपियों ने पुलिस को अपनी ओर आते देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और भागने का प्रयास करने लगे। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर गोकशी करने वालों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जिनके कब्जे से 1 तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस और चाकू, तराजू और गोकशी के औजारों के साथ कटी हुई गाय की खाल भी मौके से बरामद की है। पकड़े गए गोकशों के ने अपना नाम अहमद मियां व मुफीद बताया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। आज सवेरे सीकरी में मुखबिर की सूचना पर सीकरी चौकी के प्रभारी जगपाल सिंह द्वारा गांव सीकरी में जाकर देखा गया तो गौकश मिली, जिनमें एक है मुफीद पुत्र इशरत और अहमद पुत्र इशरत। इन्होंने देखते ही पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें एक 315 वोल्ट तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक चाकू और 1 कुंटल गाय का मीट एवं उसकी खाल बरामद हुई है और इन्हें विधिक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जा रही है। विभिन्न धाराओं में
इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बुलंदशहर में पिछले कई दिनों से पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को फेसबुक के जरिए जान से मारने की धमकी मिल रही थी, हालांकि फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक डिबाई विधानसभा सीट से दो बार विधायक रह चुके पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने पुलिस में शिकायत की थी कि कुछ दिनों से फेसबुक कॉल के जरिए उनसे रंगदारी मांगी जा रही थी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं पकड़े गए आरोपी ने बताया कि उसने अपने एक दोस्त से पैसे कमाने के लिए आइडिया मांगा था, जिसके बाद उसके दोस्त ने किसी चर्चित व्यक्ति से रंगदारी मांगने का आइडिया दिया। ये अभी मेरा फ्रेंड फेसबुक से फ्रेंड है, तो इसी के कहने पर मैंने ये सब किया है, मैंने और अभी ने दोनों ने किया है। हाँ, मोटिव क्या था आपका गुड्डू पंडित से, क्या चाहते थे? अनुभव भाई, खाली पैसे के लिए, पैसा लेने के लिए कही। बाकी अभी बताऊंगा, अभी मैं ये बेसिकली एक जो पूर्व विधायक जी हैं गुड्डू पंडित जी, उन्होंने एक अभियोग पंजीकृत करवाया था थाना कोतवाली में, जिसमें कहा गया था कि उनको फेसबुक पर धमकी दी गई थी। उनकी तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और उस घटना का अनावरण के लिए साइबर सेल और क्राइम ब्रांच सर्विलांस सेल की टीमें लगी हुई थी और इसमें सफलता प्राप्त हुई। आज इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का नाम करणवीर सिंह उर्फ विक्की है और ये भूड़ चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। बेसिकली ये पहले भी जेल में रह चुका है, इसका आपराधिक इतिहास है। ये बस्ती से 363/66/374 में वर्ष 2014 में जेल गया था। फिर जेल के भीतर भी इसने रंगदारी मांगी थी और जेल के बंदियों को पीटा था, जिसके संबंध में वहाँ अभियोग पंजीकृत कराया गया था वहाँ की पुलिस के द्वारा, और फिर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी हुई थी। फिर ये अभी 3-4 महीने पहले जेल से बाहर आया था। एक अभी नामक व्यक्ति है जो पहले से फेसबुक से फ्रेंडशिप हुई थी, बाद में इसकी फ्रेंडशिप भौतिक रूप से भी हुई और लखनऊ में दोनों आकर के रहे भी थे। इन्होंने बेसिकली ये फ़ोन करके रंगदारी मांगने का ही काम किया था कि इनको कुछ पैसा मिल जाएगा, जिससे आगे की कार्रवाई या इनको मुकदमे वगैरह हैं उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, पूर्व विधायक ही को क्यों टारगेट किया गया था, इसके पीछे क्या मकसद रहा? इसके पीछे ये मकसद है, चूंकि ये यहीं का रहने वाला है, चंदन की मड़ैया का, गुलावटी क्षेत्र का, वो गुड्डू पंडित को जानता है और इसके और भी रिलेशन में लोग हैं जो भी जानते हैं, इसके लिए इसने इनको चयन किया था। तो क्या सर, किसी और का भी हाथ? नहीं, अभी चूंकि इसमें मुख्य अभियुक्त जो इसके पीछे और भी मास्टरमाइंड है अभी जो कोलकाता में इस समय है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उसके कहने पर ही इसने सारी कार्रवाई की थी। तो अभी को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो बाकी चीजें भी स्पष्ट होंगी।